हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड हैंड गैरेज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम रिव्यू करेंगे यूज्ड कार मारुति सुजुकी वैगनर का। वैसे ये वैगनर स्टिंगरे है, बट कंपनी ने स्टिंगरे नेम को रिमूव कर दिया था 2017 और 18 के अराउंड में। उसका क्या रीज़न है आई डोंट नो, बट अगर नॉर्मल वैगनर को स्टिंगरे से कंपेयर करें तो आपको फ्रंट में जो मेजर डिफरेंस दिखेगा वो स्कोरशेप बोनट मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं और रियर में ट्रांसपेरेंट टेल लाइट्स मिलती हैं। तो गाइस बात करेंगे रियर में स्पेस की। सो वैगनर जानी जाती है लो बजट में ज़्यादा स्पेस के लिए। इट्स अ टॉल एंड लॉन्ग कार एंड एज यू कैन सी दैट लेग स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है और ड्यू टू लो हम्प थर्ड पैसेंजर को भी कोई लेग रूम का इशू नहीं मिलता। गाइस फ्रंट में भी स्पेस में कोई कमी नहीं मिलती एंड इंटीरियर ऑफ दिस कार इज लुकिंग वेरी नाइस, कम्स विद लिटिल पियानो ब्लैक फिनिश। राइट नो आई हैव VXI प्लस वेरियंट जिसमें आपको सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सिंगल ड्राइवर एयर बैग मिलता है। अदर फीचर्स की बात करें तो आपको रियर डिफॉगर मिलता है विद रियर बैक वाइपर, कंपनी स्टीरियो, ऑल फॉर पावर विंडोज एंड पावर साइड मिरर्स। गाइज बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस गुड ओनली फॉर 2-3 स्मॉल लगेज। अंडर दी हुड इसमें आपको वही सेम 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि आपको मारुति सुजुकी की लो बजट कार्स में सभी में यही इंजन मिलेगा, फॉर एग्जांपल ऑल्टो K10, सेलेरियो, नॉर्मल वैगनर। गाइस राइड क्वालिटी की बात करें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगेन मैं वही बार रिपीट कर रहा हूँ, मारुति सुजुकी की लो बजट कार्स में प्लेन रोड पे तो आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, बट हल्की सी अनइवन रोड आ जाए, ऑफ रोड आ जाए तो कार खड़कती है, नॉइस करती है इंटीरियर वगैरह से। और जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी है इस वैगनर में वो लगा है बॉडी रोल। 70-80 की स्पीड में अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको बॉडी रोल मिलता है एंड डैट विल स्केयर यू अलॉट। गाइस मेंटेनेंस की बात करें तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि आपने देखा होगा ओला उबर में कॉम्पैक्ट हैच में सबसे ज़्यादा वैगनर यूज़ हो रही है बिकॉज ऑफ इस लो मेंटेनेंस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अराउंड 90 रुपीज़ का इसका ऑयल फिल्टर है, 150 रुपीज़ का एयर फिल्टर है और इंजन ऑयल 700 रुपीज़ से स्टार्ट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अराउंड 1000 रुपीज़ में इसकी फुल सर्विस हो जाती है। और दूसरे पार्ट्स की बात करें लाइक क्लच प्लेट तो वो भी बहुत चीप है, अराउंड 1000 रुपीज़ में इसकी क्लच प्लेट आ जाती है। गाइस परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि ये स्मॉल 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, अराउंड 67 की हॉर्स पावर देती है। सो इनिशियल पिकअप से बेटर इसमें आपको मिड रेंज मिलती है, मिड रेंज में कार बहुत ज़्यादा पुल होती है बट ऑन एसी में आपको ड्रॉप मिलता है और एसी ऑन और कार पैसेंजर से फुल हो तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील होगा।
गाइस एवरेज की बात करें, जो एवरेज मैंने पर्सनली नोट किया इस कार में वो 13-14 इन सिटी एंड 19 ऑन हाईवे विद ऑन एसी मुझे मिली है। गाइस प्राइस अवेलेबिलिटी की बात करें कि यूज कार मार्केट में कितने की मिल जाती है, जिस तरह ये लो मेंटेनेंस कार है सो हाईली डिमांडेड है, रीसेल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। सो यूज कार मार्केट में 2010-11 मॉडल वैगनर के सीरीज 2 लाख से स्टार्ट होती है, और अगर वैगनर स्टिंगरे की बात करें तो वो आपको 3 लाख के अबव ही मिलेगी। गाइस नाउ मेन क्वेश्चन इज दैट क्या इस कार को बाय करना वर्थ है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक स्मॉल कॉम्पैक्ट कार चाहिए विद मोर एवरेज एंड लो मेंटेनेंस, देन वैगनर इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप थोड़ी सी मेंटेनेंस और अफोर्ड कर सकते हैं और आपके लिए एज मैटर नहीं करती, सपोज जैसे कि आप 2014 मॉडल वैगनर लेने जा रहे हैं तो आप 11, 12, 13 मॉडल भी लेने को रेडी हैं, देन देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल लाइक फॉक्स वैगन पोलो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, और वो फुल साइज़ हैचबैक सेगमेंट में आती हैं, सो वो बेटर है वैगनार से। सो वैगनार के बारे में जितने भी प्रोस एंड कौन से मैंने बता दिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनको यूज कर इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।